ईशा, ईशा ये क्या कर दिया तुमने? क्या हो गया मिस मुल्तानी? घर का कचरा है, उसे जला रही थी। क्यों? मेरा लैपटॉप तुम्हें कचरा नजर आ रहा है? शे, इसमें आपका लैपटॉप था? कैसे गया? एक्चुअली मैंने ठीक से चेक नहीं किया, शायद बाकी कचरों के साथ आपका लैपटॉप भी। पर मैं तो सिर्फ हेल्पफुल होने की कोशिश कर रही थी, यू नो, परोपकारी। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव। लिसन ईशा, इफ दिस इज अबाउट नील ना, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि मेरे तुम दोनों को लेकर इंटेंशन गलत नहीं है। मेरे इंटेंशंस भी बहुत अच्छे हैं, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ। अब बाकी कचरे के साथ आपका लैपटॉप भी आया और चल गया, तो मेरी क्या गलती? ये आग कैसे है? क्या चल रहा है? मामा, वो मैं कचरा जला रही थी और गलती से ना मिस मुल्तानी का लैपटॉप भी उसमें जल गया। आप तो यूं नया लैपटॉप खरीद देंगे, है ना मिस मुल्तानी? मुल्तानी ग्रुप की मिस युक्ति मुल्तानी है आप। पता नहीं कितने ही लैपटॉप होंगे आपके पास, तो एक जल भी गया तो क्या, यू कैन बाय अ न्यू वन। ये क्या तरीका है ईशा, किसी की कोई चीज ऐसे जलाते हैं? ध्यान रखना चाहिए ना तुम्हें। सॉरी बोलो युविका को, सॉरी बोलो। मिसेस भूमि महाजन, इट्स ओके, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा, ये हमारी युविका दी नहीं है, तो इनकी साइड लेना बंद करो आप। मैंने आपका लैपटॉप जला दिया ना, एक काम करो, डीजे भाई से ना कंप्लेन कर दो। लेकिन नहीं, आपका तो उनसे भी झगड़ा चल रहा है, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ आपसे कोई खुश नहीं है, तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम्हारी लाइफ से चली जाओ। देखो डीजे बबुआ, ये हम चाहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में ना हम सबको बुलाएंगे। हाँ, सबको, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, सबको। वैसे गार्गी जी, आप कहे तो आपकी जेलर और जेल का साथी लोग को बुलाएं। नहीं, नाम तो है उनका, काम ऐसा नहीं वैसा है, तो क्या हुआ, बुलाएं। हाँ डीजे। यस मैम। सृष्टि जी, ये महाजन की पार्टी है, आप कोई इलेक्शन रैली नहीं। यस मैम। ओके ओके, पार्टी बड़ी होगी या छोटी ये बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले डेकोरेशन और फूड के बारे में बातें कर ले। अरे हाँ 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 हाँ, देखिए हम क्या कह रहे हैं ना, सबना देसी रंग होगा, हाँ, लाल, पीला, नीला, हरा, कोई भी दूर से भी देखे ना तो उसको लगना चाहिए कि ये देश का बेटा बेटी का कुछ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। हाँ, और खाने खाने पता है, बनारसी चाट, बनारसी पान। प्लीज शिशि जी, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। अरे ये महाजन्स की पार्टी है, समझिए आप, हम यहाँ महाजन्स शैंपेन पी के ग्लास तोड़ते हैं फॉर गुड लक। यस मॉम। पान खा के थूकते नहीं है, तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली वालों की तरह। यस मॉम। हो गया आपका। हाँ, अब हमारा एक बात सुन लीजिए सब लोग, हमारी बेटी का सगाई है, हम ठर्रा पी के टेबल मां तोड़ देंगे, बताइए कौन रोकेगा हमको? डीजे बबुआ? मम्मी जी, मॉम, मैं और कोयल, वी विल मैनेज एवरीथिंग, राइट कोयल? से गार्गी मॉम, मैं आ गई हूँ ना यहाँ, और वैसे भी मैंने आपकी ही जगह ली है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन। आप रिलैक्स कीजिए, मैं ये तैयारी देख लूंगी। शिकेश की सारी यादें, तस्वीरें
पापा के साथ, आप सब लोगों के साथ, जिंदगी के सारे लम्हे सब चल गए। तस्वीरें जली हैं बेटा, यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये ईशा तेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करती है? सीधे मुंह बातें नहीं करती, क्या हो गया ऐसे? कुछ नहीं मम्मी, बस कुछ ही दिनों की बात और है। पापा के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंच गई हूँ, थोड़ा सा फासला और बचा है। वो फासला भी तय हो जाएगा बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है। जीत तेरी होगी, होनी ही है। मम्मी आपको पता है जितना ज्यादा जरूरी ये पुरानी यादों को सहज के रखना होता है ना, उतना ही जरूरी नई यादें बनाना भी होता है। अब आप देखना मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ना, आप, मैं, अर्जुन, ईशा, हम सब नए लम्हे जिएंगे, उन्हें सजाएंगे, नई नई यादें बनाएंगे। आप देखना, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मैं लेकर आऊंगी खुशियाँ को, हाथ पकड़ कर लेकर आऊंगी। हाँ बेटा, बस अब तो उसी दिन का इंतजार है। मैं बस मेरे बच्चों के चेहरे पर बेशुमार खुशियाँ देखना चाहती हूँ। भगवान से और कुछ नहीं चाहती मैं। अच्छा मम्मी, अपने आपको अंदर जाना चाहिए इससे पहले कि हमें कोई साथ में देख ले। और वैसे भी आपके इंजेक्शन का टाइम हो रहा है ना, और आपको याद है ना मम्मी कैसे आपको गलत इंजेक्शन देकर ये लोग ऑलमोस्ट मार ही देने वाले थे। और अब जब आपको सुबह शाम उसका एंटीडोट लग रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना पूरी तरीके से ध्यान रखना है, टाइम से दवाइयाँ खानी है, टाइम से पूरा रेस्ट करना है, आपको पहले जैसे बिल्कुल तंदुरुस्त बनना है, राइट? पहले से बहुत बेटर हूं मैं, आप जाओ। प्लान का पहला स्टेप पूरा होने वाला है, और जैसे डीजे और गार्गी ताई जी ने मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया ना, वैसे ही डीजे और उसकी माँ को एक दूसरे से अलग कर दूंगी, धीरे धीरे घुटा घुटा कर अंदर ही अंदर तोड़ दूंगी उन्हें। एक्सक्यूज मी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करना तो बाकी रह गया। क्या? एंगेजमेंट रिंग। अच्छा, तब वो भी आप लोग ही बताएंगे कि कौन सा वाला लेना है कि हम अपनी खुशी से ले ले। देखिए अपने दामाद जी के लिए ना हम बेस्ट हम बेस्ट लेंगे। हाँ जी मम्मी जी। रोका किसने? गो, लेट्स गो मॉम। हाँ चलते हैं। हाँ चलते हैं। प्रणाम गार्गी जी, प्रणाम डीजे बबुआ जी। मम्मी जी खुश रहो जी। मम्मी जी चलते हैं। समधन जी मिलते हैं जल्दी। हाँ बाय गार्गी मॉम। चल Mom, अब मेरे लिए रिंग ले आना। After all, your choice is the best. I know. Thank you. I'll see you. Love you. Love you. See you, boy. क्या बात है गार्गी? बेटा हो तो डीजे जैसा। तुम्हारी चॉइस पे पूरा भरोसा है उसे? तुम्हें मौका दे गया हो। My son is the best. देखना सृष्टि जी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, आई विल गेट द बेस्ट रिंग। अब मालूम चलेगा शी इज डीलिंग विद महाजन्स। निखिल के फ्लैट पे गया था, वहां पे भी नहीं है। तुम्हें उसके फ्लैट का एड्रेस कैसे मिला? याद है मैं तुम्हें एक बार कार से ड्रॉप करने गया था,
और बहुत परेशान था तुमको लेके। बस बस स्टॉप द कार। क्या तुम्हें तब से ये सब पता था? हाँ मुझे आइडिया था लेकिन मैं श्योर नहीं था। आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ कितना रूड बिहेव करती रही। नहीं मेरा, डोंट बी सॉरी। मैं समझ सकता हूँ, हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज आता है जब वो सबके साथ रूड हो जाता है। मैं बस एक बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा था, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का फर्ज। लेकिन निखिल के घर पर जाके मुझे ऐसा लगा जैसे वो नॉर्मली कहीं नहीं गया। मतलब ये कि इंसान जब अपने घर से बाहर जाता है तो डोर को बाहर से लॉक करता है, लेकिन उसका डोर लॉक नहीं था। कमाल है, दरवाजा भी बाहर से खुला है और घर में भी कोई नहीं है। निखिल, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे कहां गया होगा वो? इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो वो जल्दबाजी में घर से बाहर निकला या उसे वहां से जबरदस्ती निकाला गया। मतलब ये तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या हुआ होगा निखिल को? अब हम क्या करेंगे? बोलो ना। तुम ये कहना चाहते हो कि निखिल इज मिसिंग? चाहे मेरा है, काम जाओ, मैं हूं ना, मैं फिगर आउट करता हूँ कुछ। कोई आ रहा है, तुम चिंता मत करो, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी रिकवर नहीं होगा इस लैपटॉप का। अच्छा तो मतलब गिरने से पहले इसकी रिकवरी की कोई उम्मीद थी? हाँ, मेरे ख्याल से ईशा का क्या धरा है? इट्स ओके, प्यार में पड़ी हुई लड़की वैसे भी इसके अलावा और क्या हरकत कर सकती है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा ये सब? ये मतलब बार बार ईशा की बात करना, बात ही नहीं करते ना। नील, ईशा ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी, हैव टू गो। वो आगे का क्या प्लान है? लेकिन ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है विदुर? मैं खुद हैरान हूं दादा बाबू, ये कैसे मुमकिन है? हालांकि ये इंफॉर्मेशन युक्ति मुल्तानी से जुड़ी हुई है। लेकिन बगैर कंफर्मेशन के हम इसे डिस्क्लोज भी तो नहीं कर सकते। मुझे तह तक पहुंचकर सच्चाई का पता लगाना होगा विदुर, मुझे हर चीज अपने हाथ में लेनी होगी। पर कैसे दादा बाबू?
कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या कोई बड़ा फैक्ट ही होगा इस फाइल में, वरना पापा और दादा बाबू इस तरह से तो रिएक्ट नहीं करते। उस फाइल में क्या है ये तो जानना होगा। Don't waste my time. बकवास जरूरी है. Show something exclusive. Yes, ma'am. Oh God, ये किस तरह का कलेक्शन दिखा रहे हैं आप लोग? गार्गी, ये बिल्कुल कॉमन कलेक्शन है. गलती से भी इसमें से कुछ मत लेना. इस तरह की चॉइस तो सृष्टि जी की भी होगी. तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा. जवाब देना है तो कुछ खास लेना पड़ेगा, है ना? एक बात बताओ, तुम युक्ति मुल्तानी की हेल्प क्यों नहीं ले लेती? युक्ति मुल्तानी? कैसे? एक मिनट. आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, मुल्तानी ग्रुप का एक डिवीजन डायमंड्स में डील करता है. युक्ति मुल्तानी से कहो कि कुछ एक्सक्लूसिव तुम्हें दिखाए, जिससे तुम्हारी होने वाली समधन और नई बहू के होश उड़ जाए. काफी स्मार्ट हो गई हो दीदी तुम. गुड आइडिया. हटाओ ई. ओ ये लिया, हमको लगता है ई बहुत बढ़िया लगेगा डीजे पर. हाँ, यू मॉम, इट्स टैकी. टैकी? डीजे के हाथ में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी. डीजे दिग्विजय महाजन जी के लिए ले रही हैं आप? या वो महाजन ग्रुप वाले? हाँ हाँ, वो है, हमारे दामाद जी बनने वाले हैं वो. हाँ, धन्यवाद. हाँ, मैंने आपको पहचान लिया. आप वही है ना जो हर मैगजीन और सोशल मीडिया पर छाई हुई है? अरे ये है डीजे बबुआ की होने वाली बहू. तो अभी अच्छा सा कुछ दिखाइए जो हमारी बिटिया रानी को पसंद आए डीजे बबुआ के लिए. ऐसा कुछ लाखों में एक अंगूठी दिखाइए. अरे लाखों में नहीं, हम तो आपको करोड़ों में एक दिखाएंगे. रुकिए. दिखाइए दिखाइए. ये देखिए. अरे अरे वाह, कोयलिया कोयलिया, डीजे बबुआ को कुछ ऐसा ही अच्छा सा चीज देंगे. हाँ, यस मॉम, इट्स नाइस, आई लाइक इट. मिसेस महाजन, इट्स अलेक्जेंड्रिया, द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. But you know what? ये आपके लिए भी मुश्किल होगा. आई मीन डोंट माइंड, लेकिन ये ना महाजन्स की भी बहुत से बाहर है. बट यू कैन ट्राई द अदर वन, इट्स द सेकेंड बेस्ट. That is so, so beautiful. But okay, we will go with this. Mrs. Mahajan, इसे आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझिए. Really? Excuse me. मुल्तानी अंकल, कोयल और सृष्टि ने भी अपने घर पे ज्वेलर बुलाया है. जस्ट मेक श्योर
कि सृष्टि जी का टाइमिंग कारगिताई जी के टाइमिंग से पड़ा हो. गॉट इट. हो जाएगा युक्ति, डोंट वरी. अब कल पड़ेगी इनके रिश्तों में पहली फूट. पहले आएगी माँ बेटे के बीच में दरार, फिर टूटेगी शादी, और उसके बाद रोही भाभी को उनका खोया हुआ हक मिलेगा. तेजे, तुम अपने सारे किए गए गुनाहों को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ. फाइल पे तो सील लगी है. ऐसा क्या है इस फाइल में कि दादा बाबू इतने परेशान लग रहे थे? देखना पड़ेगा. मैम, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप जंग लड़ने जा रही है. जंग ही तो है रोज, और ये जंग है डीजे के खिलाफ जो मुझे हर हाल में जीतनी है. और अभी तक हमारा कोई भी वार खाली नहीं गया है. पहले मैंने ऑफिस में गार्गी ताई जी की तारीफ कर कर उनके दिमाग पर वार किया, और फिर उनको हर साल मिलने वाले प्रेस्टीजियस अवार्ड को उनसे छीन कर कोयल को दिलाकर उनके दिल पर वार किया. और अब बारी है मेरी आखिरी वार की, जो एक ही साथ उनके दिल और दिमाग दोनों को एक साथ सुन्न कर देगा. कम इन. सुभद्रा जी, तो फिर क्या अपडेट है मिसेज महाजन की? बहुत बुरे हाल है, एकदम भरी पड़ी है. कोयल और सृष्टि को नीचा दिखाने के लिए बेताब है. अरे, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ना अपने स्टाफ पर निकाल रही है. परफेक्ट. तो बस फिर इंतजार करते हैं दोनों महिलाओं के फालतू के ईगो की लड़ाई का. देखना आप कैसे ईगो के चक्कर में एक दूसरे को ले डूबती है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.